हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम है विजय सिंह और अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हेमोफीलिया इज द डिजीज ऑफ। हेमोफीलिया जो है वो किसका डिजीज है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लड का। सेकेंड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो ये है नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, कुचिपुड़ी इज अ डांस ड्रामा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस ड्रामा फॉर्म है। फोर्थ क्वेश्चन है, यान इज द करेंसी ऑफ। यान किस देश की करेंसी है? तो आंसर है जापान, ऑप्शन ए। व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व। देखिए वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर, यानी अक्टूबर 5 को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है और इंडिया में ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद। रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी। 7th क्वेश्चन है, विच डे इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, द बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन हैज बीन रिटन बाय। मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है वो कौन से राइटर ने इसको लिखा था? इसका राइट आंसर है सलमान रशदी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूवेन हॉकोई। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। यानी पहली महिला गवर्नर जो थी वो है सरोजनी नायडू थी। 11th क्वेश्चन है आपके सामने, द रामाकृष्ण मिशन वॉज स्टेब्लिश बाय। रामाकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। 12th क्वेश्चन है आपके सामने, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शूट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मंगल पांडे जो है ये है बोराकपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, द कोस्टल दैट बिलोंग टू द केरला इज नोन एज। केरला का जो कोस्टल है वो इनमें से कौन सा है? मालाबार कोस्टल, ऑप्शन बी। 14th क्वेश्चन है आपके सामने, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन है आपके सामने, अ पर्सन हैविंग ए बी ग्रुप ऑफ ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हैविंग, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसको जो है डोनेट कर सकता है ब्लड? तो इसका राइट आंसर है ए बी, ए बी वाले ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज। इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 17th क्वेश्चन है आपके सामने, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म्स ऑफ। राज्यसभा के जो सदस्य है उनको कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट जो है इनमें से किस प्लैनेट को कहा जाता है? तो वो है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी इज नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है, विच मुगल एम्पायर फॉर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बाबर। 21 क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ द हंग्री टायर्ड। द हंग्री टायर्ड के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष।
22 क्वेश्चन आपके सामने है, हमायूं वाज बोर्न इन द ईयर, हमायूं जो है वो कौन से ईयर में बोर्न हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1508 में। 23 क्वेश्चन आपके सामने, पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, पन्ना नेशनल पार्क जो है इनमें से कौन से स्टेट में, तो उसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, अविनम बिंद्रा वॉन गोल्ड मेडल फॉर विच स्पोर्ट इन ओलंपिक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शूटिंग में। 25 क्वेश्चन आपके सामने, बगदाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ, इसका राइट आंसर है इराक। 26 क्वेश्चन आपके सामने, हु रॉट द हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर है जेके रॉलिंग ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ, तो इसका राइट आंसर है सैटर्न। 28 क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, विच डे इज नॉन एज डायबिटीज डे, तो इसका राइट आंसर है 14 नवंबर। 30 क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर फॉर इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजवर्धन राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, विच गेम डज डेविड्स डेविस कप इज एसोसिएटेड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉन टेनिस। 32 क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो एरिस्टोटल। 33 क्वेश्चन है आपके सामने, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द बोन एंड टीथ आर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। 34 क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा। 35 क्वेश्चन आपके सामने, हु आर द इकोनॉमिक्स हु रॉट द बुक स्मॉल ब्यूटीफुल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ई एफ सहूज मचेर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, देखिए यहां पे टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए, टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ल्यूकेस्टपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है आपके सामने, हु डिस्कवर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट पियर। 38 क्वेश्चन है आपके सामने, द ओनली बर्ड दैट फ्लाई बैकवर्ड, इसका राइट आंसर है हमिंग बर्ड ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन आपके सामने, हु रॉट अ हंटेड हाउस, तो हंटेड हाउस जो है किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर है विर्गनाई वुल्फ ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन आपके सामने, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वोल्गा। 41 क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म पॉलिटिक्स वॉज फर्स्ट यूज बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एरिस्टोटल। 42 क्वेश्चन आपके सामने, हु इन्वेंट एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है किसने इन्वेंट किया था, तो राइट्स ब्रदर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43 आपके सामने, पंचमहल इज सिचुएटेड इन, पंचमहल जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स के जो ऑथर है वो है आपके ऑप्शन सी आर के नारायण। 45 क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है ऑप्शन ए चार्ल्स बगर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, गरदी इज अ फॉक डांस ऑफ, ये जो है ऑप्शन बी पुडुचेरी का फॉक डांस है। 47 क्वेश्चन आपके सामने, हु वॉज अकबर फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टोडारमल। 48 क्वेश्चन आपके सामने, हु रॉट द फेमस नॉवल द गाइड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर के नारायण। 49 क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिगी पोर्ट जो है गुजरात में लोकेटेड नहीं है। 50 क्वेश्चन है, द बुक क्रिकेट माई स्टाइल इज रिटन बाय, क्रिकेट माई स्टाइल बुक किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर है कपिल देव।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा जय सिया दोस्तों में।